में आपका स्वागत है। और अभी आज हम औरंगाबाद की मारूफ शख्सियत डॉक्टर रमजानी साहब तारीखदा, जो औरंगाबाद की पूरी तारीख का नॉलेज रखते हैं और औरंगाबाद में मलिक अंबर नहर, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे डॉक्टर रमजानी सर ने कुछ किताबें भी लिखी है, बीबी के मकबरे के ऊपर, मलिक अंबर नहर के ऊपर भी। तो हमारे साथ में डॉक्टर रमजानी सर मौजूद है। डॉक्टर रमजानी सर से औरंगाबाद की तारीख के बारे में पूरी मालूमत। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमने दर्शकों को बताया कि आपने मलिक अंबर नहर और बीबी के मकबरे के ऊपर भी किताब वगैरह लिखी है। औरंगाबाद में और कौन कौन सी चीजें मशहूर है सर, उस बारे में पूरा विवरण करके बताइए दर्शकों। पहले तो एक किताब लिख बताइए सर, दर्शकों को बताइए नहर के बारे में सर, कि आपने कैसे स्टडी की है उसके बारे में। पहले तो ये चीज़ देख लो कि औरंगाबाद के नहर के सिस्टम जो है वो देखने के लिए और शहर औरंगाबाद को देखने के लिए मैंने ओबामा को बुलाया था, और ओबामा आने के लिए तैयार भी हो गए थे। ये उसका लेटर, ये लेटर है। फिर क्या बातचीत थी सर, ओबामा सर जब आने वाले थे इंडिया को, तो क्या बात थी, क्यों नहीं आ ओबामा सकते? जब यहाँ इंडिया आए थे उसके पहले मैंने उनको लेटर लिखा, 5-6 लेटर लिखा कि मलिक अंबर भी अफ्रीका से आया था औरंगाबाद में, और इसने बड़ी सल्तनत कायम की, और उसी मुताबिक ओबामा भी अफ्रीका से अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट बन गए, पहली बार कोई निग्रो प्रेसिडेंट बना। मैंने सोचा कि उनको यहाँ बुलाना चाहिए, क्योंकि मलिक अंबर भी अफ्रीका से आया था। तो उनको लेटर लिखा, तो उन्होंने ये लेटर भेजे मुझे उनके एम्बेसी के थ्रू। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक उन्होंने अपने एक सेक्रेटरी के ऑफिसर को भेजा यहाँ औरंगाबाद में, यहाँ के उसने सर्वे की, उसका नाम था फरीद, पंडित नाम था, वो कश्मीर की थी, वो आई थी यहाँ पर, और यहाँ आके सर्वे किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ के जो बड़े बड़े प्लेन हैं वो यहाँ उतर नहीं सकते एयरपोर्ट पर, क्योंकि तब 2010 में एयरपोर्ट बहुत छोटा था, और उनके जो गाड़ियाँ हैं बड़े बड़े लेम्बोजिन गाड़ियाँ, वो पंचकी के पास में टर्न भी नहीं हो सकते थे, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वैसे वो अमृतसर जाने वाले थे, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हुआ। सर, मलिक अंबर नहर जो औरंगाबाद में है, जिसका जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो आपने इसकी स्टडी की है, तो उस बारे में तेरा दर्शकों को खुलासा करके बताइए। मलिक अंबर ने उसके दौर में, यानी 1610 में 12 में ये शहर बसाया। ये शहर बसाने के लिए जो पानी का मामला था, पानी का प्रॉब्लम तब भी था, पीने का पानी, तो पीने के पानी के लिए नहर बनाया। बहुत बड़ी नहर है, ज़मीन के अंदर से आती है ये नहर को, नहर से पानी आज भी आ रहा है। और उस वक्त में 2.5 लाख पॉपुलेशन थी औरंगाबाद की, तो पूरे पॉपुलेशन के लिए पानी इनफ था। और वहाँ औरंगाबाद में जो गार्डन्स है, यानी लोगों को पीने का पानी के अलावा गार्डन्स को भी पानी मिलता था। तो मैं उस पर स्टडी किया और मैंने ये देखा कि अगर ऐसी नहर बनाए गए तो 2.5 लाख के लिए एक नहर थी काफ़ी। आज औरंगाबाद की पॉपुलेशन 18 लाख है, तो ऐसे अगर 9 नहर बनाए तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है औरंगाबाद का। आज हमारा पानी जो है पैठन से आ रहा, पैठन में जो डैम है वो औरंगाबाद से 500 फीट नीचे है, और
50 किलोमीटर दूर है, तो हम उल्टा काम कर रहे हैं, जो पानी नीचे चला गया उसको पंप के जरिए लाट गया और मर, यानी 500 फीट ऊंचा उसको उठा रहे पानी वहाँ का, जो कुदरत के निजाम के हिसाब से भी गलत है और पैसा उस पर बहुत लग रहा है, इसलिए हमारा पानी का टैक्स भी ज़्यादा है। मैं चाह रहा था कि जैसा मलिकम्बर ने नहर बनाए और नहर बना के उसने 2.5 लाख लोगों को पानी दिया और पानी खेतों के लिए भी दिया, उसने गार्डन्स के लिए भी दिया, आज जैसे नहर बनाए तो औरंगाबाद को पानी मिलेगा, ये हर साल जो दिक्कत आती है पानी की वो ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा सोचता है। तभी जो नहर है, वैसे नहर उस जमाने में बनाने में काफ़ी तकलीफ हुई, मगर आज आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आज बड़े बड़े जमीन खोदने के औजार तो मशीनें मौजूद हैं, तो इसे आसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी पायलट प्रोजेक्ट करके एक तो नहर बनाए यहाँ और उसका पानी देखे कितना आ रहा है, और इतना ही नहीं, सिर्फ औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जो पहाड़ियाँ हैं जैसी जोग्राफिकल कंडीशन औरंगाबाद में है, ऐसे तकरीबन 25% महाराष्ट्र में ये पॉसिबल है। अगर सभी जगह नहरें बनाए तो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी खर्च कम हो जाएगा और लोगों को पानी मिलते 12 महीने मिलते रहे। सर, मलिकम्बर के बारे में जो तारीख दा है, जो यहाँ शहर में जो जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि मलिकम्बर औरंगाबाद की जो नहरों का सिलसिला है वो दिल्ली तक जाता है, और आपने इसके ऊपर रिसर्च किए, तो आपकी रिसर्च करने का शौक कहाँ से पैदा हुआ, और ये जो अभी हमने पूछा आपसे सवाल, इसके ताल्लुक से बताइए। मैं जब यहाँ से रिसर्च का काम शुरू किया तो मेरा PhD जो था वो शहर औरंगाबाद के बारे में था, तो शहर औरंगाबाद में नहर भी है। मैंने लोगों से पूछा कि नहर का पानी कहाँ से आ रहा, नहीं मालूम, आ रहा पानी बस पर आ रहा, हमने इस्तेमाल कर रहा, इसकी मालूम किसको, किसी को नहीं, ये हालत थी उस तक। इसलिए मैंने नहर के पूरा स्टडी करने का सोचा और नहर के अंदर से बाहर से पूरा मैंने सर्वे किया, फोटोग्राफ भी है मेरे पास में, और उसके वजह से नहर की मालूम मुझे पूरी हुई। सर, तालाबों के बारे में भी आपने लिखा है और बीबी के मकबरे के बारे में भी लिखा है आपने, उस बारे में बताइए सर। देखिए, तालाब जो है अपना औरंगाबाद में मलिकम्बर ने बनाया था तालाब, जो तालाब कला यानी बड़ा तालाब के नाम से मशहूर है, और तहसील के रिकॉर्ड में भी यही नाम है, तालाब कला, कला है ना बड़ा। ये तालाब मलिकम्बर ने लोगों के पानी, पीने का पानी नहीं मगर बाहर का पानी जो है, जानवरों को पानी और कपड़े धोने के लिए, इसके उसके लिए जो पानी, उसके लिए ये तालाब बनाए। ये तालाब बीवी के मकबरे से लेकर मजनू हिल तक इतना बड़ा तालाब था, अब बीच में आधा हिस्सा बंद कर दिया गया। ये तालाब आज इसलिए भी ज़रूरी है, उसको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये तालाब का पानी जिसको पाझर तालाब बोलते हैं, परकोलेटेड टैंक, ये तालाब का पानी औरंगाबाद के तकरीबन 100 कुएँ जो पुराने हैं वहाँ जाता है पानी। आज ये तालाब का पानी बिल्कुल गंदा है, गंदा यानी पी नहीं सकते, पोल्यूटेड है, तो ये पोल्यूशन कम करना चाहिए। इस तालाब में लाखों कमल के फूल थे, गुलाबी कलर के, लाल कलर के, सफ़ेद कलर के, और ये फूल मंदिरों में चढ़ाया जाता था, इस फूलों से पानी भी साफ होता है। आज मेरी डिमांड है कि यहाँ तालाब में पानी, तालाब में कमल के फूल लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर कॉर्पोरेशन की जो कमेटी है, हेरिटेज कमेटी, उसका मेंबर भी हूँ, और मेंबर के नाते मैंने सजेस्ट किया था पिछले मीटिंग में, उन्होंने हाँ कहा, बजट भी बता दिए, मगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। तालाब के अंदर ऐसा गंदा तालाब रखना, और औरंगाबाद के शहर के अंदर ऐसा गंदा तालाब रहना, यह हमारे लिए अफसोस की बात है, जबकि साफ पानी का तालाब होना चाहिए। और ये तालाब की खास बात यह है, इसमें जो पानी आता है, बारिश का पानी तो होता ही है,
मगर अंदर से उसको पता है तालाब के नीचे से, इसलिए कई देखे होंगे आपने कि कई तालाब सूख जाते मगर ये तालाब नहीं सूखता। मैं यहाँ तकरीबन 50 साल से रह रहा हूँ तालाब के पास, एक या दो बार ही मैंने देखा ये सूखा था, बाद में कभी नहीं सूखा। जबकि हरसिंह का तालाब, सावंगी का तालाब सूख कई सालों तक सूखे रहे, तो ये तालाब को जिंदा रखना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। ये तालाब पोल्यूशन हो गया, पोल्यूटेड हो गया, इसके वजह से शहर में जितने भी पुराने कुएं हैं सब हुए, उसका पानी भी गंदा हो गया, पोल्यूटेड हो गया, वो पानी पीने लायक नहीं रहा, तो शहर का हेल्थ जो है वो भी खराब हो रहा है उसके वजह से। तो तालाब को साफ रखना ये कॉरपोरेशन का काम भी जरूर करना चाहिए। सर औरंगाबाद के आप डॉक्टर रमजानी तारीखदार मशहूर है आप, तो सर दर्शकों को आज के जनरेशन को बताइए कि औरंगाबाद में ऐसे कौन कौन से मुखामात है जो आप नॉलेज रखते हैं, मशहूर है, जिन जिन लोगों को अभी मतलब पता भी नहीं है, उस बारे में जरा बताइए। औरंगाबाद में देखिए सबसे पहले तो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं और इसलिए बीबी का मकबरा अच्छे तरीके से रखना चाहिए, उसका गार्डन अच्छा रखना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। अभी देखा ये जा रहा कि बीबी के मकबरे में जो पेड़ पौधे बिल्डिंग के ऊपर पैदा हुए हैं उनको निकालने का काम होता नहीं है और उसके कुछ हिस्सा गिरते भी जा रहा है। एक मीनार जो है छोटा मीनार वो उसके कुछ पत्थर गिर गए थे, ये चीज़ गलत है। मकबरा से औरंगाबाद को इनकम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम है, इसलिए मकबरा साफ सुथरा रखना चाहिए। और मेरी किताब में मैंने मकबरे के बहुत सारे आइटम दिया हूँ जिसके वजह से टूरिस्ट और भी आ सकते हैं। औरंगाबाद में मकबरे के अलावा पंचकी है जो देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। पंचकी का टावर जो है ये तकरीबन 22 फीट ऊँचा है और 22 फीट ऊँचे से पानी गिरता है। दुनिया में पानी की वो स्कीम कामयाब है जहाँ पर डीजल की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पंप की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी पानी 22 फीट तक ऊपर आ रहा है। और मैंने एक बार सर्वे किया इसका तो मुझे ये पता चला कि 24 घंटे में 11 लाख लीटर पानी वहाँ से निकलता है। 11 लाख लीटर पानी यानी कितने घरों के लिए हो सकता है, वो तकरीबन 1-2 मोहल्ले उसे कवर हो सकते हैं। तो ये पानी भी नाले में जा रहा है, वेस्ट हो रहा। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ भी ख्याल देना चाहिए कि ये पानी जो है इस्तेमाल होना चाहिए लोगों के लिए। अब कहाँ हो सकता है इसका इस्तेमाल, पंचकी से जो नीचे इलाका है जैसा रेलवे स्टेशन का इलाका, वहाँ ये पानी बगैर किसी अच्छे पाइपलाइन डाल दी तो पानी वहाँ जा सकता है, वहाँ के लोगों को पानी मिल सकता है। झारखंड से जो पानी आ रहा है उतना कम लाना, अगर ये पानी रेलवे स्टेशन के पास 2-4 मोहल्ले हैं वहाँ अगर हम दे सके और उससे कोई खर्च नहीं, सिर्फ पाइपलाइन डालना है प्लास्टिक का तो आसानी से उनको पानी मिल जाएगा। उतना पानी पेट्रोल से कम लाना तो उतना पैसा बचेगा गवर्नमेंट, इस अंदाज से हमारे कॉरपोरेशन ने काम करना चाहिए। सर आप एक तारीखदार हैं और अब आपकी उम्र भी हो गई है, आपने बहुत औरंगाबाद के लिए खिदमत खल्क किया है, तो जो नौजवान इस वीडियो देखने के बाद में दिलचस्पी रखते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो आपका यहाँ का एड्रेस वगैरह बता दीजिए और उनको कैसा मार्गदर्शन करेंगे उस बारे में। मैं यहीं घर में मिल सकता, मैं मेरा मकान आपके हिमायत बाग के सामने ही है, रोड पर ही है, वो आके मिल सकते, तारीखें मालूम ले सकते।